मिक्सचर ऑफ फेविकॉल वाटर इन इक्वल क्वांटिटी। मैंने इसको बना के ही रखा हुआ है अपने इसमें एक बॉटल के अंदर ही। ठीक है, ये हमें चाहिए। वन वी नीड मार्कर एंड वी आर गोइंग टू मेक लैंप्स। लैंप्स बना रहे हैं हम, इनको हैंग भी कर सकते हैं और वी कैन प्लेस इट एज इट इज आल्सो ऑन द टेबल्स। ठीक है, पहले हमें इसमें एक डिज़ाइन बनाना है जहाँ से आप अपना दिया या कैंडल जो भी है वो इंसर्ट करोगे। इसमें जो आपके कैंडल्स लगेंगी वो बैटरी वाली कैंडल्स लगेंगी, बैटरी वाली कैंडल्स लगेंगी जो लाइट उसमें होती है ना, अदरवाइज ये प्लास्टिक है तो वो मेल्ट कर जाएगी बॉटल। फाइन, आप सर्कल बना सकते हो बिग, और मैंने इसको एज अ डोर शेप दी है। हेयर आई एम गोइंग टू मेक लीव्स, थोड़ा सा डिस्टेंस देना है यहाँ पर। लीव्स बनानी है यहाँ पर। फाइन, थैंक यू प्रीति मैम, नाइस टू सी यू ऑल ऑल्सो। सिखाने का मज़ा तभी आता है मैम जब सब ज्वाइन किए हो। और साथ साथ सब बना लें। मसाला कंटेनर मैम, या तो आप मुझे एक बार पिक्चर शेयर कर देना। आप मुझे व्हाट्सएप पर ना एक बार पिक्चर शेयर कर दें तो मेरे को पता लग जाएगा कि कैसा है, देन आई कैन टेल यू। फाइन, ये देखो, ये मैंने इसके बीच में ऐसे डिज़ाइन बना दिया है। अब यहाँ आपको क्या करना है, या तो आप इसको सारे को प्लास्टिक को कट कर लीजिए। ठीक है, ये जितना भी मैंने कटिंग्स दी हैं, लीव्स की शेप है, डोर की शेप है, या तो आप इसको सारे को कट कर लो और उसके ऊपर आप ये पेपर नैपकिन पेस्ट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस मिक्सचर फेविकॉल एंड वाटर। ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपका लाइक दिस। ये यहाँ से ऐसे आपका दिया रखा जाएगा अंदर, ये होल्स बन जाएंगे यहाँ पर ये सारे। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, इज़ इट विजिबल ना, ये देखो ऐसे अंदर जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे आप इसको नाइफ़ को अपना गरम करके, नाइफ़ को गरम करो और इसको आप सारे को ऐसे करके शेप दे लीजिए। फाइन, ये प्रोसेस मैंने पहले करके रखा था बिकॉज़ इट विल टेक सम टाइम ना, ताकि हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो सेशन में, इसलिए मैंने ये प्रोसेस पहले करके रखा था। ठीक है, अगर आपको इसको कट नहीं करना है तो आप सिर्फ ये डोर वाली शेप कट कर लीजिए, चाहे आप यहाँ सर्कल बना लो, चाहे आप डोर की शेप बना लो, और ये लीव्स को एज इट इज़ रहने दीजिए आप। लीव्स आप एज इट इज़ रहने दीजिए और उसके बाद आप इसके ऊपर पेपर नैपकिन पेस्ट कर लो। फाइन, जैसे ही आपका ये ड्राई हो जाएगा आप इसके ऊपर कोई भी कलर कर लीजिए।
कलर भी आपने क्या करना है, इसमें पहले पार्टीशन कर लीजिए। मार्कर के साथ मैं इसमें पार्टीशंस कर रही हूँ। फाइन, ये मैंने नीचे से एक पार्टीशन किया है, उसके बाद सेकंड पार्टीशन में यहाँ कर रही हूँ ऊपर, जहाँ से हमारी ये सेंटर लीफ एंड हो रही है। दिस पोर्शन यू कैन फिल डिफरेंट कलर्स और यू कैन फिल सिंगल कलर लाइक आई एम डूइंग हेयर ग्रीन कलर। सेंटर पोर्शन में मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ, तो आपको टिश्यू पेपर अगर नहीं लगाना है बॉटल के ऊपर तो आप उसको मॉडपॉज से भी कवर कर सकते हो। मॉड पॉज से कवर करके आपका मॉड पॉज ड्राई हो जाएगा तो आप उसके ऊपर कलर कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट कलर करोगे बॉटल के ऊपर तो आपका कलर स्टिक नहीं करेगा, वो कहीं कहीं से रह जाएगा आपका कलर। बिफोर आई फिल कलर हेयर ना I want to fill color inside. आप अपनी बॉटल के अंदर भी कलर कर सकते हो इस पोर्शन में। फाइन लाइक दिस, ये अंदर से सारा मैंने ब्लू कलर कर दिया है। नाउ आई एम फिलिंग ग्रीन कलर। अंदर वाला कलर मैंने पहले इसलिए कर दिया है ताकि अगर होल्स से बाहर आए कलर तो आप उसको नीट कर सकें बाद में, बाहर वाली साइड जो आप कलर अप्लाई करोगे उससे। और मैंने यहाँ पर भी एक राउंड, जैसे हमारा मैम वी हैव टू पेस्ट टिश्यू इनसाइड, मैम नॉट कंपल्सरी, टिश्यू नहीं पेस्ट करो आप, अगर करना है तो कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, है ना। आपको हल्का सा इसको अंदर से कवर कर लीजिए कलर के साथ ही, नहीं तो अंदर की तरफ भी आप मॉड पॉज लगाकर उसको प्रॉपर कलर कर दीजिए।
टिश्यू लगा लीजिए, माउथवॉश लगा लीजिए, दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर लो। टिश्यू लगाओगे तो आपका इसमें हल्का हल्का टेक्सचर आएगा, और जहाँ ये आपने कट्स लगाए हैं ये वाले एजिज आपके नीट हो जाएंगे। डायरेक्ट माउथवॉश लगाओगे तो वो जस्ट एक कलर के लिए हो जाएगा, आपका बेस बन जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स के ऊपर हमारा कलर स्टिक नहीं हो पाएगा अच्छे से। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे ये प्लास्टिक बॉटल है, मैं इसके ऊपर ऐसे कलर करूँगी तो ये प्रॉपर नहीं आएगा, कहीं कहीं छूट जाएगा आपका, है ना। ये ऐसे आपके आएगा, प्रॉपर नहीं आ पाएगा आपका कलर। यही आप इसके ऊपर मॉडपॉज लगाकर कलर करोगे। मैं ये भी करके दिखा देती हूँ आपको। सी, ये मॉडपॉज किया मैंने। अब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको इसके ऊपर भी कलर करके दिखा देती हूँ, ज़्यादा ही लग गया मुझसे। माउथवॉश ड्राई हो जाएगा ना, ठीक है। मैंने इसको साइड पर ड्राई होने के लिए रखा है। अभी ये ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको इसके ऊपर कलर करके दिखाती हूँ। उसके ऊपर माउथवॉश के ऊपर कलर स्टिक हो जाएगा। डायरेक्ट आप बॉटल के ऊपर कलर लगाओगे तो वो नहीं स्टिक करेगा। नैपकिन यूज़ करोगे तो उसमें थोड़ा सा आपका टेक्सचर आ जाएगा बेस में, लाइक दिस। ये देखो, आपको दिख रहा है थोड़ा सा टेक्सचर ना। मैं इसके साथ कॉम्बिनेशन में येलो कलर ले रही हूँ। आपको इसके ऊपर टू टू कोट्स लगाने पड़ेंगे कलर्स के, क्योंकि हमने अंदर ब्लू कलर किया है उसका डार्कनेस कम करने के लिए। बाहर से डबल शेड करना पड़ेगा आपको, और वो कैसे होगा, जब आपका फर्स्ट कोट ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर आप सेकंड कोट करोगे।
फाइन लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट इट। और मैं इसको यहाँ ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। यही देखिए आपने मोड पॉज किया था ना, जहाँ पर उसके ऊपर कलर कर रही हूँ मैं। सी ये अभी थोड़ा सा वेट है इसलिए प्रॉपर नहीं आ रहा है, यहाँ से ड्राई है तो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। ये देखो कहीं से नहीं कलर छूटा है आपका। आई हैव डन टू कोट्स हेयर फाइन। बस मॉड पॉज का ये है कि जो आपने ये कटिंग करनी है ये एजिज आपके नीट नहीं आएंगे। टिश्यू पेपर से आप उन एजिस को कंप्लीटली नीट कर सकते हो। फाइन ये दोनों मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। ये मॉड पॉज से बॉटल है, ये टिश्यू से बॉटल है। उसके बाद इन्होंने सारे एजिस इसके कट कर दिए थे हमने, ठीक है। ये बॉटल मैंने पहले से एक बना के रखी हुई है, कलर करके रखा है इसमें पहले से मैंने। जस्ट ए मिनट, आई विल प्लेस इट ऑन हाइट सो दैट इट विल बी विजिबल ना। इट्स फाइन नाउ है ना। ये मेरी बड़ी साइज की बॉटल है। ये दोनों मैंने आपको छोटे पे करके दिखाया है। ये एपी फीज होती है, एपी फीज की बॉटल है। तीनों ही एपी फीज की बॉटल्स हैं। ये एपी फीज का बड़ा साइज है और वो दोनों जो हैं वो स्मॉल साइज है। फाइन इसके मैंने पार्टीशंस करके इसको अच्छे से सारे को कवर करके, इसमें अंदर की तरफ मैंने कलर अभी नहीं किया है, इसको मैं बाद में कर दूंगी। बट बेटर है कि आप इसको पहले से ही कलर कर लीजिए अंदर से, ठीक है। उसके बाद मैंने ये थ्री पार्टीशंस किए हैं, वन येलो, मैरून और रेड यू कैन टेक, ऑरेंज आई हैव डन हेयर एंड एट द बॉटम। ब्लू कलर्स की मैंने लाइन लगाई हैं इसके ऊपर। ये सब मैंने पहले इसलिए करके रखा था कि कलर थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो मैं आपको इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप बता सकूं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक रेड कलर और जो ये मैंने डिज़ाइंस ड्रॉ किए हैं, लीव्स बनाई हैं या डोर बनाया है, इसको इनकी आउटलाइंस करनी है हमने। लाइक दिस दीज होल्स मैम, ये हमारा पेचकस होता है ना, मैंने उससे किए हैं, उसको गर्म करके आगे से। और जब आप इसमें लाइट वगैरह अंदर करेंगे तो यहाँ से भी आपका अच्छा डिज़ाइन बाहर शोपीस बन जाएगा आपका ना प्रॉपर। जैसे लाल टेन में होती है ना होल्स और वो डिज़ाइन जो टेराकोटा के आप खरीदते हो मार्केट से, ये वैसा लुक आएगा आपका। ये मैंने दोनों साइड से इन दोनों को सर्कल को ज्वाइन करा है।
आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेके भी उससे ये डिज़ाइनिंग कर सकते हो, कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको लीफ और सर्कल्स ही बनाने हैं और इसी शेप में बनाने हैं, कोई भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। सी अगर आपको ये भी यहाँ पर नहीं करना है ना, ऐसे डोर भी नहीं करना है जहाँ से हम अपना दिया इंसर्ट करेंगे लाइक दिस, जैसे मैंने ये बनाया है तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करके यहाँ रख के और बाद में बर्न करूँगी, बट ये वाला हमें नहीं यूज़ करना है क्योंकि हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं ना। आपको बैटरी वाला दिया यूज़ करना है, जो आजकल इलेक्ट्रिक जो वो मतलब सेल्स वाले जो आते हैं ना आजकल दिया, वो रखना है इसके बीच में। अदरवाइज तो प्लास्टिक आपका सारा आपको यहाँ पर भी दो होल्स बनाने हैं, वन हेयर एंड वन हेयर, इफ़ यू वॉन्ट टू हैंग इट। अगर आपने इसको हैंग करना है तो यहाँ दो होल्स बना दीजिए, और जो हमारी वो जो वायर होती है स्टील की वायर होती है ना मोटी वाली, जो जो फ्लावर मेकिंग में भी हम यूज़ करते हैं, वो लगा लीजिए। नहीं तो आप यहाँ पर थ्रेड वगैरह भी हैंग कर सकते हो, और अगर आपको थ्रेड करना है तो थ्रेड के लिए आपको पहले इसको कवर करने से पहले बॉटल के इसको नो कैप को कवर करने से पहले ना टिश्यू से पहले अंदर आप इसमें नॉट्स लगा के तो थ्रेड को टाई कर सकते हो। बाद में बॉटल का फेस फेस मतलब ये माउथ कवर करके इसका, और फिर आप इसके ऊपर आप टिश्यू लगाइए। ये तो हैंगिंग का है। अगर आपको हैंगिंग नहीं बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको एज इट इज़ आप एक तो कहीं पे प्लेस कर सकते हो लाइक इन योर गार्डन एरिया और ऑन डाइनिंग टेबल, या कहीं पे भी आप मतलब जहाँ पे भी रखना चाहो। हाँ मैं ये बता रही थी, अगर ये नहीं रखना है आपको, यहाँ से ओपन नहीं रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे से ये वाला पोर्शन सारा कट कर दीजिए, इसको फ्लैट कर लीजिए, तो उसमें क्या होगा, आप ऐसे दिया रखोगे और ऊपर से उसके बीच में इसको रख दोगे। 3-4 ऑप्शंस हैं, हम इसको कैसे भी बना सकते हैं। ये रेड कलर की आउटलाइंस मैंने जान के थिक करी हैं क्योंकि मुझे अभी इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग करनी है। फाइन, ये वाला पोर्शन हो गया है हमारा। जब तक ये ड्राई होता है मैं आपको नेक्स्ट डिज़ाइनिंग इसकी बता रही हूँ। टू हाईलाइट दिस पोर्शन यहाँ पर मैं ब्लू कलर ही यूज़ कर रही हूँ। अंदर की तरफ भी अगर आपको अंदर भी कलर करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो।
फाइन, ऐसे नाउ आई एम टेकिंग स्मॉल राउंड ब्रश और उससे मैं ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं यहाँ पर मैं इनकी आउटलाइन कर रही हूँ। लाइक दिस। टुमारो आई एम गोइंग टू टेक सेशन ऑन इंसेंस होल्डर। इंसेंस होल्डर के ऊपर सेशन ले रही हूँ मैं। ये देखो हाउ इज इट लुकिंग। फाइन, ये सारे होल्स मैंने इनको ऐसे कंप्लीट कर दिए। नाउ आई एम टेकिंग वाइट कलर। वाइट कलर जो ये मैरून कलर के ऊपर मैंने होल्स बनाए हैं इनको कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए। लाइक दिस। हु ऑल आर मेकिंग। ये ऐसे सारे वाइट सर्कल्स आएंगे इधर, मैं इधर की तरफ भी फिल करके। लाइक इफ एनी वन हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, मैंने तभी ये आसान से और अच्छा आइडिया ढूंढा है। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू यूज ब्लैक माई लाइनर्स। इसमें से मिस
सिल्वर आउटलाइनर और यू कैन से पर्ल मेटेलिक वाइट कलर आउटलाइनर है ना। आई एम गोइंग टू यूज़ पर्ल मेटेलिक वाइट आउटलाइनर और मैम बॉटल का साइज़ कितना होना चाहिए। मैम प्लास्टिक की बॉटल आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मेरे पास बड़ी बॉटल भी है मेरे पास छोटी बॉटल भी है, मैंने दोनों के ऊपर करके बताया है। सी दिस इज़ माई स्मॉल साइज बॉटल ना, ये दोनों एपी फीस की बॉटल्स हैं, ये एपी फीस का स्मॉल पैक है और ये बिग पैक है। आपके पास कोई भी बॉटल है, सोडा की बॉटल्स आती हैं प्लास्टिक की या और भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो आती हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो आपके पास जो भी हो अवेलेबल ना। ठीक है, मेरे पास ये नियॉन लाइनर्स है, आप नियॉन लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हो आप, और भी क्या कहते हैं ग्लिटर्स भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों भी नहीं आपको यूज़ करने हैं तो आप सिंपल जो हमारे एक्रेलिक कलर्स हैं वही यूज़ कर सकते हो। अब ये जो लाइंस लगाई थी मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ले आ जा, इनकी नोजल्स कभी बंद हो जाती है ना। ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, अभी उसकी नॉब नहीं ओपन हो रही है। लाइक दिस, मैम व्हाई यू हैव जॉइंड लेट मधु मैम। I will repeat it in the end, whole process again I will repeat it, just please wait now. ठीक है, आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। मधु मैम मैं सारा प्रोसेस एक बार लास्ट में रिपीट कर दूंगी, प्लीज़ आप अभी वाला देख लीजिए। होप इज इट विजिबल ना। फाइन, ऐसे ही आप तीनों में डिज़ाइनिंग कर सकते हो। और आप थ्री डी आउटलाइनर्स यूज़ कर सकते हो, नियॉन कलर्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हो। इट्स ओके मधु मैम, फाइन। अब मैं यहाँ पे इसे डॉट्स लगा रही हूँ।
इज दिस एक्टिविटी इज इंजॉयबल और जस्ट बोरिंग? सी है ना, ऐसे ही आप इसमें और भी डिज़ाइंस बना सकते हो। अभी मैं आपको ये रेड वाला पोर्शन, हाँ ड्राई हो गया है, मैं यहाँ बता देती हूँ। इन पोर्शंस में भी आप ऐसा ही कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अभी मैं नियॉन कलर यूज़ करके बताती हूँ यहाँ पर आपको। यस इट्स वर्किंग है ना। नियॉन कलर्स के साथ आप लाइंस लगा लीजिए। एक्चुअली वेदर चेंज हो गया है ना, मेरे कलर्स भी थोड़े थोड़े ड्राई हो गए हैं, ठंडी लगती है इनको। सबको ठंडी लग गई है। थैंक यू शैली मैम, थैंक यू मीनाक्षी मैम। ऐसे आप इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हो। और साथ में जब आपका ये कलर ड्राई हो जाए तो आप या तो ब्रश की बैक साइड ले लीजिए या फिर टूथपिक होता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ब्रश की बैक साइड में आप कलर लीजिए और ये जो आपने लाइंस लगाई है ना इनके सेंटर में डॉट। कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने डिज़ाइनिंग आपको कोई बताई है आप वही करोगे। डिज़ाइनिंग टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। मैं तो एक टेक्निक बता रही हूँ कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं क्या चीज़ बनाने के लिए। डिज़ाइनिंग कलरिंग ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है।
कोई भी डिज़ाइन इसमें आप यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन करना है। फाइन, एक मिनट में आपको वायर भी इसमें हैंग करनी बता देती हूँ, जस्ट होल्ड डाउन, आई ब्रिंग वायर ना। ये जो हमारी वायर होती है ना इसको आप हाफ ले लीजिए। हाफ मींस मतलब जो भी साइज होगा आपको, जिस साइज पे आपने इसको हैंग करना होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका ले लीजिए साइज। जस्ट कटिंग इस वायर, ये वाला पोर्शन मैंने लिया है, इसको सेंटर में से आप ऐसे यू शेप में बेंड कर लो। लाइक दिस, ऐसे यू शेप में इसको बेंड करके ना यहाँ से अंदर की तरफ और इस साइड से भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए ऐसे। और यहाँ साइड में मैंने होल्स किए थे, यहाँ से आप इसको अंदर दोनों साइड से ऐसे इसको अंदर की तरफ करके प्रेस कर दो लाइक दिस, और ये ऐसे आपका हैंग हो जाएगा। सी, ये आपकी हैंग हो जाएगी। अगर आपको हैंग नहीं करना है, एज इट इज़ आपको रखना है, तो आपको आप इसको एज इट इज़ रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से पोर्शन कट कर सकते हो आप इसका, फ्लैट करके इसको जैसे ये आपने दिया रखा और इसके ऊपर से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, तो आपको ये पोर्शन नहीं कट करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आई विल शो यू हाउ इट्स लुक, जस्ट वेट। मैं अभी यही वाला रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी अभी वो वाला दिया नहीं है बैटरी वाला, तो मैं आपको अभी 2 मिनट बस ये रख के दिखा के, तो सी हाउ इज दिस, यू कैन हैंग इट लाइक दिस। ये देखो, ये जो हमने होल्स किए थे इसमें से आपकी लाइट्स बाहर आ रही हैं। होप यू ऑल इन्जॉयड टुडे सेशन। मैं इसको ज़्यादा देर नहीं जला सकती हूँ, सॉरी, है ना। थैंक यू मधु मैम। सी, ये वाला हाथ मैंने बाहर से लगवाया है, दिस इज़ माई राइट हैंड, एज आई कांट अप्लाई ऑन माई राइट हैंड ना, लेफ्ट हैंड एंड बोथ दोनों पैरों के ऊपर, फीट एंड हैंड मैंने खुद लगाया है, बाकी मैंने बाहर से एक हाथ लगवाया है। थैंक यू।
है ना। अभी ये सारा इसकी मैं आउटलाइंस इसकी इनकी सबकी करूँगी कंप्लीट, इधर डोर की, यहाँ ऊपर भी, ये आपकी बालकनीज में ऐसे हैंग करोगे ना, बहुत सुंदर लगेंगे दिवाली पर। और यू कैन गिफ्ट दिस टू एनीवन। ये देखो मेरे पास ये छोटा सा ये पड़ा है, मैं ये इसके बीच में करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो कैसा है, दिस इज योर लालटेन हैंगिंग। ठीक है,